हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक, और वो है आम पन्ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आम पन्ना बनाना। आम पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए एक कच्चा आम। आम पन्ना वैसे तीन तरीक़ों से बनाया जाता है। या तो आप इस आम को, जैसे कि बैगन को भूनते हैं, बैगन का भरता बनाने के लिए वैसे हम इस आम को भूनकर बनाएंगे, या फिर आम को छिलके के साथ बॉयल करके बनाते हैं और फिर बाद में बॉयल करने के बाद उनके जो उसका जो पल्प होता है वो निकाल लेते हैं, या फिर आप पहले आम के छिलके को काट कर उसका जो पल्प है वो निकाल लें और फिर उनको बॉयल करके फिर बनाएं। तो आज मैं ये थर्ड जो तरीका है वो अपनाने वाली हूँ। मैं आम का जो छिलका है वो निकाल लूँगी और जो उसका पल्प होगा वो निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुकर में बॉयल करने के लिए दे दूँगी। चाहे आप कुकर में दें या फिर पतीले में दें, लेकिन क्योंकि कुकर में देने से टाइम की बचत होती है, फिर जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं कुकर का हेल्प लूँगी आम पन्ना बनाने के लिए। ये देखिए, बातों ही बातों में मैंने आम के जो छिलके हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं इनका जो पल्प है वो निकाल लूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आम पन्ना जो है, जैसे कि गर्मियों में कोको कोला पीने का मन करता है, ये कई तरह के जो ड्रिंक्स बाज़ार में आते हैं वो पीने का मन करता है, वैसे ही ये इंडियन ड्रिंक है। और मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों को बचपन से आदत दें कि जो इंडियन जो ड्रिंक होते हैं गर्मियों में वो पीने की उनकी हैबिट बनी रहे। जैसे कि आम पन्ना हुआ, और ये कई तरह के फ्रूट जूस आते हैं वो हुए, लस्सी हुआ, छाछ हुआ, ये सब क्या होता है, ये घरेलू चीज़ें होती है और इन सबको ज़्यादा रोज़ अगर बच्चे पिए, फिर हम लोग पिए तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो फिर आम पन्ना के लिए ये मैंने कुकर खोल लिया है और इसमें मैं ये जो आम मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटे थे वो मैं डाल दूँगी। और उसमें पुदीने के पत्ते भी चाहिए, क्योंकि पुदीना का पत्ता ठंडा देने वाला होता है, इसलिए मैं कुछ पुदीने के पत्ते डालूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मैं डालूँगी। ये देखिए, मैं धोकर पहले ही अलग करके रख दिए थे। अब मैं इसमें ये 6-7 काली मिर्च के दाने डालूंगी और 2 कप पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद उसको 2 से 3 विफल्स बजाने के लिए चढ़ा दूंगी गैस पर। देखिए, कुछ ही देर में जो आम का जो पल्प है वो एकदम बॉयल हो गया है। कुकर के स्टीम निकालने के बाद मैंने कुकर का ढकना खोला है और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो अभी जो पानी है वो अभी भी गर्म है, ये मैंने जो आम का जो बीज होता है वो मैंने निकाल लिया है, ये बच्चों को चूसने में मज़ा आता है तो मैंने इसको भी बॉयल कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, मैंने 4 चम्मच चीनी लिया है और चीनी इस गर्म पानी में डाल दूँगी, ताकि पानी भी गर्म है और चीनी जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए अलग रख दूँगी, ताकि जो ये पानी है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। 5 मिनट बाद मैं क्या करूँगी, पल्प को मैं इस मिक्सचर जार में डाल दूँगी, जिसमें कि पल्प है, काली मिर्च है, पुदीना का पत्ता है, और मैं इसमें डालूँगी एक छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और बस, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें जो सौंफ होता है वो भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, क्योंकि वो भी बहुत ठंडा देने वाला होता है, लेकिन क्योंकि मुझे आम पन्ने का जो रियल टेस्ट है वही चाहिए, तो मैं इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, जो आम का पन्ना है वो एकदम तैयार हो गया। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस भी बहुत ही फ़ायदा देने वाला होता है और ये मतलब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और हमारा आम का पन्ना बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
अब बस हमें इनको डालना है ग्लास में। मैं आम का पन्ना डालूंगी और कुछ पत्ते पुदीने के डालूंगी। दो से चार आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि आम पन्ना हम लोगों को ठंडा ठंडा मिले। और लाजवाब और टेस्टी आम पन्ने का लुत्फ़ उठाइए इन गर्मियों में। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।